अंगिका एक भाषा है जो बिहार के पूर्वी, उत्तरी व दक्षिणी भागों, झारखंड के उत्तरी पूर्वी भागों और पश्चिम बंगाल के पश्चिम भागों में बोली जाती है। यह भाषा बिहार के पूर्वी भागों में बोली जाती है, जिसमें भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, अररिया आदि सम्मिलित हैं। यह नेपाल के तराई भाग में भी बोली जाती है। अंगिका भारतीय आर्य भाषा है। अंगिका शब्द अंग से बना है। अंग प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा को अंगिका नाम दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि अंगिका को लोग छेछा के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा अंगिका को अंगी, अंगिकार, चिक्का चिक्की और अपभ्रंशा भी कहा जाता है। अंगिका की उपभाषाएं भी हैं, जैसे देसी, दखनाहा, मुंगेरिया, देवघरिया, गिद्धोरिया, धर्मपुरिया। अक्सर भाषा का नामकरण उसके बोले जाने के स्थान से होता है। अंगिका भाषा हिंद यूरोपीय भाषा परिवार के अंदर आती है। ये हिंद आर्य उपशाखा के अंतर्गत वर्गीकृत है। हिंद आर्य भाषाएं वो भाषाएं हैं जो संस्कृत से उत्पन्न हुई हैं। अंगिका को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। इसे अंग भाषा के नाम से भी पुकारा जाता है। इसे बाएं से दाएं ओर लिखा जाता है। अंगिका भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग काफ़ी समय से की जा रही है। आइए जानते हैं अंगिका से जुड़ी कुछ अन्य बातें जो काफ़ी दिलचस्प हैं। 8वीं शताब्दी के कवि सरह या सरहपा को अंगिका का आदि कवि माना जाता है। अंगिका भाषा में पढ़ाई के लिए 10 जून 2002 को तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में पीजी विभाग खोला गया था। अंगिका भाषा एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष अंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। वरीय चिकित्सक डॉक्टर डीपी सिंह ने अपने क्लिनिक का नाम ही अंगिका रखा है। अंगिका भाषा में निर्मित पहली फिल्म खगड़िया वाली भौजी 2007 को बिहार में प्रदर्शित किया गया था। अंगिका व अंग प्रदेश के नाम पर भागलपुर से यशवंतपुर के बीच चलने वाली साप्ताहिक ट्रेन का नाम अंग एक्सप्रेस रखा गया है। अंगिका और बंगाली भाषा में काफ़ी समानता है। यदि आप हिंदी में कहेंगे क्या हुआ, तो अंगिका और बंगाली में बोला जाएगा की होलो। अंगिका और गुजराती में काफ़ी समानता है। अंगिका में बोलेंगे कहनो छो, तो इसी को गुजराती में बोलेंगे केम छो। अंगिका मुख्यतः अंग क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है, परंतु अंगिका को लोग अपनाने से कतरा रहे हैं। अंगिका 3 भागों में विभाजित होने के कारण ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि शुद्ध अंगिका कौन सी है। कुछ लोग अंगिका को बर्बाद कर रहे हैं। अंगिका में आई जबरदस्त कुछ शब्द का प्रभाव लोगों के लिए गलत मानसिकता पैदा कर रहा है। इसलिए लोगों से मेरी प्रार्थना है कि शुद्ध और अशुद्ध अंगिका में अंतर को समझें। यदि आप भी अंग प्रदेश से हैं और अंगिका भाषा बोलते हैं, तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें और इस भाषा का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें। ई जानकारी अपने सबके अच्छा लगल हो तो ई वीडियो का लाइक करी दो और हमारे चैनल एक्वेस ग्राउंड MPT का सब्सक्राइब करी दो। चलो मिले छे दूसरा वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो। आरो तब तक के लिए जय अंगिका, जय अंग।